हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, चलते हैं टॉपिक नंबर 4 पर, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले हम इसके कुछ लॉ सीखेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फर्स्ट लॉ, ए की पावर एन इक्वल ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एंड सो ऑन मल्टीप्लाई ए। इसका एक एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए 3 की पावर 2 है, तो हम उसको लिखेंगे 3 × 3 = 9। लॉ नंबर 2, ए की पावर 0 = 1 होता है। इसका एक एग्जांपल लेंगे हम, 5 की पावर 0 = 1। इट मीन्स किसी भी डिजिट के ऊपर अगर पावर 0 है तो हम उसको 1 ही लिखेंगे। जैसे 120 की पावर 0, इसका आंसर भी 1 ही आएगा। चलते हैं लॉ नंबर 3 पर, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इक्वल ए की पावर m प्लस n। बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ a है यहाँ a है, तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से ये हो जाता है ए की पावर m प्लस n। इसका एक एग्जांपल देखेंगे, 3 की पावर 2 × 3 की पावर 5 इक्वल ये हो जाएगा अब 3 की पावर 2 + 5 = 3 की पावर 7। लॉ नंबर 4, ए की पावर -1 = 1/(a^n). इसका एक एग्जांपल देखेंगे, 2 की पावर -3 = 1/(2^3). इट मीन्स अगर यहाँ पर माइनस है तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं। चलते हैं लॉ नंबर 5 पर, a^m / (a^n) = (a^m-1). देखेंगे इसका एग्जांपल, 5 की पावर 3 / 5 की पावर 2 = 5 की पावर 3 - 2 = 5 की पावर 1 = 5। ये अपॉन में हो या अपॉन मीन्स डिवाइड ही होता है। जैसे 7 की पावर 5 / 7 की पावर 2, तो इसमें भी यही रूल आप लगाएंगे, 7 की पावर 5 - 2 = 7 की पावर 3। चलते हैं बच्चों अब लॉ नंबर 6 पर, a^m / (a^n). इट मीन्स पावर पावर की आपस में मल्टीप्लाई की जाती है, a^m/n। इसका एक एग्जांपल देखेंगे, 7 की पावर 3 / (2) = (e^n) की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इट मीन्स पावर की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 की पावर 3 / 2 = 7 की पावर 6। चलते हैं लॉ नंबर 7 पर, a^(b)/(n) = (a^n)/(b)/(n). देखेंगे इसका एग्जांपल, 2/3 / 5 = (2^5)/(3^5). आइए बच्चों अब टॉपिक नंबर जो 4 है आपका, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, 5 की पावर 2 / 5 की पावर 4। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 5 की पावर 2 / 5 की पावर 4 मीन्स 5 की पावर 2 + 4 = 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 = 1 5 6 2 5। इट इज आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, 5 की पावर 8 / 5 की पावर 3। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 5 की पावर 8 - 3 = 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5
5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 और 625 5 जा 3 1 2 5। नाउ वी गो क्वेश्चन नंबर 3 की पावर 2, उसका भी पावर 3। लॉ ऑफ अकॉर्डिंग आप पावर की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 3 की पावर 6। नाउ वी गो क्वेश्चन नंबर 4। 3 अपॉन 4 की पावर माइनस 3। आप यहाँ देख रहे हैं माइनस है, इसको रिमूव करने के लिए आपको इसका रेसिप्रोकल करना होगा। 4 अपॉन 3 की पावर 3 इक्वल 4 अपॉन 3 4 अपॉन 3 4 अपॉन 3। 4 4 जा 16 16 4 जा 64 अपॉन 3 3 जा 9 9 3 जा 27। चलते बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 2 की पावर 55 मल्टीप्लाई 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 मल्टीप्लाई 2 की पावर 18। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 2 की पावर 55 मल्टीप्लाई 2 की पावर 60 मीन्स 2 की पावर 55 प्लस 60 माइनस 2 की पावर 97 मल्टीप्लाई 2 की पावर 18 मीन्स 2 की पावर 97 प्लस 18। 2 की पावर इसको हम ऐड करेंगे अब 5 एंड 11 माइनस 2 की पावर 115 देन 0। नाउ वी गो क्वेश्चन नंबर 6। 125 की पावर माइनस 1 अपॉन 3। इस माइनस को रिमूव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना होगा आपको। देन 1 अपॉन 125 की पावर 1 अपॉन 3। नेक्स्ट 1 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 हमने 125 के फैक्टर किए पावर 1 अपॉन 3 इक्वल 1 अपॉन 5 की पावर 3। 1 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 को हम 1 अपॉन 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। देन पावर 1 अपॉन 3। नाउ पावर पावर की आपस में मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 3 से 3 कैंसिल रिमेनिंग 1 अपॉन 5 की पावर 1 इक्वल 1 अपॉन 5। नाउ वी गो क्वेश्चन नंबर 7। 64 अपॉन 25 की पावर माइनस 3 अपॉन 2। 64 अपॉन 25 की पावर 3 अपॉन 2। इस माइनस को रिमूव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल करते हैं। सबसे पहले 25 अपॉन 64 की पावर 3 अपॉन 2 हो जाएगा। देन 5 25 के फैक्टर करेंगे 5 इंटू 5 64 के फैक्टर करेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 और पावर 3 अपॉन 2। 5 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 8 को हम लिखेंगे 5 अपॉन 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 पावर पावर की आपस में मल्टीप्लाई। देन आंसर 5 अपॉन 8 की पावर 3 इक्वल 5 अपॉन 8 5 अपॉन 8 5 अपॉन 8 इक्वल 5 5 जा 25 25 5 जा 125 अपॉन 512। सम प्रॉब्लम्स फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1।
256 अपॉन 81 की पावर 5 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 2, 243 अपॉन 32 की पावर माइनस 4 अपॉन 5। क्वेश्चन नंबर 3, 27 की पावर माइनस 2 अपॉन 3। दैट्स ऑल। मीट ऑन टुमारो।